हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक आई होप यू ऑल आर वेल क्योंकि जो भी एक्सटिंग होती है ना डिजीजेस वो क्रिस क्रॉस पैटर्न शो ही करती है जिसका मतलब क्या होता है कि जो मेल है सपोज करो कोई फादर है ठीक है मेल वो डिजीज अपनी आगे डायरेक्टली मेल से मेल में ट्रांसमिट नहीं करेगा वो बीच में एज अ कैरियर बनाएगा किसको डॉटर को और फिर वो डॉटर से आगे जाएगा सन में डिजीज तो क्रिस क्रॉस का मतलब है मेल से डायरेक्टली मेल में डिजीज नहीं जा रही है पहले डॉटर को में जा रही है डॉटर कैरियर बन रही है और फिर वो डॉटर आगे क्या कर रही है डिजीज को ट्रांसमिट कर रही है तो ये बन जाएंगे ग्रैंड फादर और ये बन जाएगा ग्रैंड सन तो ग्रैंड फादर से डायरेक्टली सन में डिजीज नहीं आई डॉटर में आई और डॉटर ने आगे फिर ग्रैंड सन को ये डिजीज दी है इट इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस सिमिलरली जो फीमेल्स हैं मदर फीमेल जो है वो डायरेक्टली फीमेल से फीमेल में नहीं देती वो बीच में किसको ट्रांसमिट करती है सन को और सन फिर आगे देता है डॉटर को तो इस तरह के पैटर्न को जिसमें फीमेल से डायरेक्टली फीमेल में नहीं आ रही है डिजीज बीच में एज अ मेल को ले रहे हैं दैट इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये बन जाएगी ग्रैंड मदर एंड दिस विल ग्रैंड डॉटर ठीक है तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मेल से डायरेक्टली मेल में नहीं जाएगा बीच में फीमेल की हेल्प लेगा और यहाँ पर भी फीमेल से डायरेक्टली फीमेल में नहीं आएगा बीच में मेल की हेल्प लेगा सो एम एफ एम एंड एफ एम एफ अब देखो मैं एक बहुत बेसिक सी चीज़ आपको बता रही हूँ जो आप सभी को याद रखनी है ठीक है वैसे तो आप सबको पता होता ही है ये बट क्वेश्चन करते टाइम हमें ये याद नहीं रहता हम भूल जाते हैं जब भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है ठीक है तो ये मेल है मेल के पास क्रोमोजोम है एक्स वाई एंड दिस इज फीमेल इसके पास क्रोमोजोम होते हैं ठीक है XX, so, जब मेल का X और फीमेल का एक्स मिलता है तब बनता है एक्स एक्स दैट इज डॉटर है ना ये सबको पता है डॉटर बनेगी और जब मेल का वाई और फीमेल का एक्स क्योंकि एक फीमेल के पास तो ऑप्शन ही नहीं है है ना ये मिलते हैं तब क्या बनता है सन अब ये मैंने क्यों बताया है आप बोलोगे ये हम सबको पता है मैंने ये इसलिए बताया है ताकि आपको ये याद रहे कि फीमेल के अंदर जो एक्स आ रहा है वो एक मदर से आ रहा है और दूसरा एक्स फादर से आ रहा है तो फादर के पास जो एक एक्स है वो अपना एक्स कभी भी मेल को नहीं देगा वो हमेशा फीमेल को ही देगा तो जो अगर मेल को कलर ब्लाइंडनेस हुई कभी भी तो उसकी डॉटर में वो एक्स जरूर जाएगा और डॉटर विल बिकम कैरियर कलर ब्लाइंड तो नहीं बनेगी वो पर कैरियर जरूर बन जाएगी क्योंकि एक सी चला जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और जो ये चैनल है ये बिल्कुल फ्री चैनल है इस पर आपको नीट रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं तो जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ाई करते रहिए अपना ख्याल रखिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस स्टे हैप्पी